हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 4 एंड आई वाज एक्सप्लेन सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे आई विल टीच टू यू सम रिमेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, आवर फोर्थ चैप्टर इज पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया। इट मीन्स नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का पॉलिटिकल डिवीज़न। ओके, कुछ टॉपिक आपने इसमें पढ़ी थी बच्चों, और कुछ टॉपिक जो आपकी बची हुई है वो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, चलिए एक बार मैं रिवीजन कर दे रही हूँ कि यानी कुछ स्टेट्स मैंने आपको बताए थे कि वहाँ का कैपिटल, वहाँ की सम सिटीज़, रिवर्स, मेन क्रॉप, सम ऑक्यूपेशन, वहाँ का क्या क्या है। ठीक है, कुछ यूनियन टेरिटरीज थी उसमें और कुछ स्टेट्स थी। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ये पहले क्या था, ये पहले हमारा एक स्टेट था, लेकिन अब ये क्या बन गया है, अब ये यूनियन टेरिटरीज बन गया है। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं। समर में इसकी कैपिटल श्रीनगर हो जाती है और विंटर में इसकी कैपिटल जम्मू हो जाती है। ठीक है, वहाँ की सिटीज़ हैं लेह, गुलमर्ग, पहलगाम, वहाँ की सिटीज़ हैं इंडस, झेलम और तावी, वहाँ की रिवर है, राइस, वीट, सैफ्रन, फ्रूट वहाँ का मेन क्रॉप है। सैफ्रन समझते हैं क्या होता है, सैफ्रन इज़ अ स्पाइस, यानी एक मसाला है। ठीक है, एक मसाले का नाम होता है सैफ्रन। ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, कृषि एंड हैंडीक्राफ्ट, यानी हाथ से बने हुए कुछ क्राफ्ट। ओके, अब देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। ठीक है, वहाँ की फेमस सिटीज़ हैं, यानी कुछ सिटीज़ हैं कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, वहाँ की रिवर्स है चिनाब, रावी, बीस, सतलज, वहाँ का क्रॉप है वीट, मेज, पोटैटो, फ्रूट्स, फार्मिंग, फ्रूट्स प्रिजर्वेशन ऑफिसेज, यानी वहाँ का ऑक्यूपेशन है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों ये सारे आपको दिए गए हैं, तो आप क्या करिएगा, एक बार इसे रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम अपने आगे नेक्स्ट रिमेन टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारी कुछ टॉपिक्स जो बची हुई हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी, अब देखिए चंडीगढ़ जो हमारा है वो एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश समझते हैं ना, कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, डू यू नो, आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। मैंने आपको इसके जब पार्ट फर्स्ट मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो देखिए बच्चों, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स। चंडीगढ़ जो है वो 2 स्टेट्स का कैपिटल है। विच स्टेट, कौन कौन सा, पंजाब एंड हरियाणा। ओके, चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, पंजाब एंड हरियाणा। इट इज़ द फर्स्ट प्लेन सिटी इन इंडिया, ये इंडिया का फर्स्ट प्लेन सिटी है। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स, ये 2 सेक्टर्स में डिवाइड है, यानी 2 भागों में, 2 क्षेत्रों में डिवाइड है। स्टेट रोड डिवाइड द सेक्टर्स एंड फ्रॉम अ ग्रिड, स्टेट रोड डिवाइड है सेक्टर्स और ग्रिड से। ईच सेक्टर हैज़ इट्स ऑन शॉप, गार्डन, अदर कॉमन फैसिलिटीज़, और प्रत्येक सेक्टर्स का क्या है, अपना शॉप्स है, गार्डन्स है और अदर कॉमन फैसिलिटीज़ हैं। ओके, 2 फेमस गार्डन इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 2 फेमस गार्डन्स हैं। ठीक है, कौन कौन सा, रोज़ गार्डन एंड द रॉक गार्डन। ठीक है, द रोज़ गार्डन हैज़ हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ रोजेस एंड लुक वेरी ब्यूटिफुल वेन दे ब्लूम। द रॉक गार्डन वॉज क्रिएटेड बाई नेकचंद सैनी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल लाइक ब्रोकन क्रॉकरी, बैंगल्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, टायर्स एंड अदर सच वेस्ट। पीपल हेयर वर्क इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। देखिए 2 फेमस गार्डन है बच्चों चंडीगढ़ में, एक है रोज़ गार्डन, दूसरा है रॉक गार्डन। तो जो रोज़ गार्डन है वहाँ पर 100 वेराइटी, यानी 100 प्रकार की वेराइटी का क्या मिलता है,
रोज मिलता है एंड लुक वेरी ब्यूटीफुल, वो क्या है बहुत ही सुंदर है। व्हेन दे ब्लूम, जो कि अगर आप देखिए कहीं हमारे गार्डन में अगर थोड़े से भी फूल हमें लग जाते हैं, हमें दिखते हैं, तो वो हमें बहुत खुशी देते हैं। जब किसी गार्डन में 100 वेराइटी का रोज़ हमें मिलेगा तो वो क्या वो हमें खुशी देंगे कि नहीं देंगे? ऑफ कोर्स वो हमें खुशी देंगे, ठीक है। अब देखिए, द रॉक गार्डन वॉज क्रिएटेड बाई नेकचंद सैनी, रॉक गार्डन को किसने क्रिएटेड किया है? नेकचंद सैनी ने। फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, किससे? वेस्ट मटेरियल से, जैसे ब्रोकन कॉकरी, बैंगर्स, इलेक्ट्रिक फिटिंग, टायर्स एंड अदर सच वेस्ट, यानी बहुत सी वेस्ट चीज़ों से उन्होंने इसे बनाया है। लोग क्या करते हैं यहाँ पर, वर्क करते हैं ऑफिस में और फैक्ट्रीज में, ओके। पंजाब, तो देखिए बच्चों अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। कैपिटल एंड अदर सिटीज़, द कैपिटल सिटीज़ चंडीगढ़। अब देखिए ये किसका कैपिटल है, चंडीगढ़ का, यानी पंजाब का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। अब देखिए अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर अमृतसर, अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है यहाँ की अमृतसर। विच इज़ द फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल, किसके लिए फेमस है बच्चों, ये गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है अमृतसर, यानी वेयर इज़ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल इज़ इन अमृतसर, ओके। अब देखिए गोल्डन टेम्पल कहाँ है बच्चों, अमृतसर में है, ठीक है। एंड लुधियाना दैट मेक्स नीटेड गारमेंट्स एंड साइकिल, ठीक है। अब देखिए रिवर्स, रिवर्स यहाँ पे, पंजाब मीन्स फाइव वाटर्स, द फाइव रिवर्स दैट फ्लो थ्रू अनडिवाइडेड पंजाब वॉज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए बच्चों ये क्या है, पांच नदियों का संगम है यहाँ पे, कहाँ पे, पंजाब को माना जाता है, फाइव वाटर्स, यहाँ पांच नदियाँ जो हैं मिलती हैं। देखिए वॉज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एट द टाइम्स ऑफ इंडिपेंडेंस आर द झेलम, चिनाब, राबी, बीज एंड सतलज, द राबी, बीज एंड सतलज स्टिल फ्रो थ्रो पंजाब इन इंडिया, यानी हमारे फ्रीडम के टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम से यही, यानी ये पांच नदियों का संगम वहाँ में वहाँ पे मिलता है, यानी ये पांच नदियाँ जो हैं बच्चों ये कहाँ से बहती हैं, इंडिया के पंजाब से होकर बहती हैं, ठीक है। अब देखिए क्रॉप्स, वीट इज़ कल्टिवेटेड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, वीट गेहूँ जो है वहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में कल्टिवेट किया, यानी कल्टिवेट समझते हैं ना क्या होता है, जैसे कि वीट इज़ कल्टिवेटेड इन लार्ज क्वान्टिटीज, वहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। राइस इज़ ग्रोन टू, राइस भी उगाया जाता है, लेकिन राइस की अपेक्षा जो है वीट ज़्यादा उगाया जाता है। अदर क्रॉप्स आर कॉटन एंड मस्टर्ड, अदर क्रॉप्स कॉटन और मस्टर्ड, यानी रुई और सरसों, ठीक है। अब देखिए ऑक्यूपिएशन, फार्मिंग इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपिएशन, फार्मिंग यहाँ का लार्जेस्ट ऑक्यूपिएशन है। डेयरी फार्मिंग वेयर कैटल आर केप्ट फॉर देयर मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, बटर एंड कॉटेज इज कॉमन। पीपल ऑल्सो वर्क इन फैक्ट्रीज दैट मेक ट्रैक्टर्स, मशीनरी, साइकिल एंड वूलन गारमेंट्स। देखिए बच्चों फार्मिंग जो है यहाँ का लार्जेस्ट ऑक्यूपिएशन है, डेयरी फार्मिंग भी होता है और मिल्क प्रोडक्ट जैसे लाइक कर्ड, बटर, ये सारी चीज़ें भी, पनीर वगैरह भी, यानी मिल्क प्रोडक्ट की सभी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं और ट्रैक्टर्स, मशीनरी, साइकिल्स, वुलन गारमेंट्स, फैक्ट्रीज में भी लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ओके। अब है किसके बारे में, हरियाणा के बारे में। देखिए चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ हरियाणा, चंडीगढ़ किसका कैपिटल है बच्चों, हरियाणा का। विच इट शेयर विथ पंजाब, जो क्या करता है, पंजाब को शेयर करता है। फरीदाबाद इज़ नोन फॉर इट्स इंडस्ट्रीज़, फरीदाबाद किसके लिए जाना जाता है, इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। पानीपत इज़ द हिस्टोरिकल टाउन, विल कुरुक्षेत्र इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलिग्रिम सेंटर, पानीपत क्या है, एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक नगर है और कुरुक्षेत्र इज एन इम्पॉर्टेंट पिलिग्रिम सेंटर, क्या है, पिलिग्रिम सेंटर है, ठीक है। अब देखिए रिवर, द रिवर यमुना फ्रॉम्स द बॉर्डर बिटवीन हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, रिवर यमुना किसके बॉर्डर से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के बिटवीन क्या करती है, बहती है।
द घाघर फ्लोज थ्रू द नदर्न एज ऑफ द स्टेट. घाघर नदी क्या करती है, नदर्न स्टेट के द्वारा यानी नदर्न एज के द्वारा यहाँ पर इस स्टेट के द्वारा बहती है. द रेस्ट ऑफ द लैंड इज वाटर्ड बाई कैनल्स दैट ब्रिंग वाटर फ्रॉम पंजाब. यानी ये किससे यानी वाटर्ड कैनल्स और क्या करती है पानी को पंजाब तक क्या करती है कैनल्स द्वारा लाती है. क्रॉप्स वीट राइस एंड कॉटन आर ग्रोन इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट. वीट राइस कॉटन यहाँ के स्टेट में यानी मोस्ट पार्ट्स में क्या किया जाते हैं उगाए जाते हैं. ऑक्यूपिएशन लाइक द स्टेट एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपिएशन. यानी ये एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपिएशन है. मैनी फार्मर्स ऑल्सो कीप काउज एंड बफेलो फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. पीपल इन द टाउन्स ऑल्सो वर्क इन द मैन्युफैक्ट्रीज देयर. यानी एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपिएशन है. बहुत से फार्मर्स क्या करते हैं काउ बफेलो और मिल्क का वर्क करते हैं. लोग नगरों और फैक्ट्रीज में भी वर्क करते हैं. ठीक है. दिल्ली अब किसके बारे में दिया गया है, दिल्ली के बारे में. दिल्ली इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट ऑफ द कंट्री. दिल्ली क्या है अदर स्टेट से डिफरेंट है. और ये क्या है देखिए ये इंडिया की कैपिटल भी है. इट हैज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. ये क्या है हमारी हमारे कंट्री का कैपिटल है न्यू दिल्ली. ठीक है. दिल्ली एंड न्यू दिल्ली टुगेदर आर वन बिग सिटी. दिल्ली और न्यू दिल्ली क्या है दोनों मिलकर एक साथ बहुत बड़े सिटी हैं. देयर इज़ स्टेट गवर्नमेंट बट द गवर्नमेंट इंडिया ऑल्सो हैज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द स्टेट. यानी यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस गवर्नर यानी इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है. ठीक है. क्योंकि यह बहुत बड़ा स्टेट है. गुड़गांव इन हरियाणा एंड नोएडा इन उत्तर प्रदेश. गुड़गांव कहाँ है बच्चों हरियाणा में है और नोएडा कहाँ है उत्तर प्रदेश में. आर वेरी क्लोज टू दिल्ली. ये दोनों दिल्ली के बहुत ही क्लोज हैं. ठीक है. पीपल ट्रेवल टू एंड फ्रॉम वर्क बिटवीन दीज सिटीज एंड दिल्ली. लोग क्या करते हैं ट्रेवल करते हैं वर्क करने के लिए यानी दिल्ली सिटी से वर्क करने के लिए ये लोग क्या करते हैं ट्रेवल करते हैं. रिवर्स हैं. दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर. दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है. दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है. क्रॉप्स लाइक वीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन सम एरियाज. क्रॉप्स यानी वेजिटेबल वीट और यानी यहाँ के कुछ एरियाज में उगाए जाते हैं. ठीक है. इम्पॉर्टेंट प्लेसेस. दिल्ली इज़ एन ओल्ड सिटी दैट हैज़ मैनी सिग्निफिकेंट बिल्डिंग्स. दिल्ली क्या है बच्चों बहुत ही ओल्ड सिटी है और इसके पास यानी बहुत ही चिन्हवत बिल्डिंग्स है जैसे द कुतुब मीनार द रेड फोर्ट यानी कुतुब मीनार लाल किला जामा मस्जिद आर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. क्या है ऐतिहासिक इमारतें हैं. संसद भवन यानी पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन आर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. ये सारी क्या है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है जो कि कहाँ पर हैं दिल्ली में हैं. ऑक्यूपिएशन अ लॉट ऑफ पीपल इन दिल्ली वर्क इन द मैनी गवर्नमेंट ऑफिसेज हेयर. यानी ये यानी इन ऑफिसेज में बहुत सारे लोग वर्क करते हैं. दे आर ऑल्सो सेवरल मीडिया एंड न्यूज़पेपर ऑफिसेज वेयर मैनी पीपल वर्क. Others work in universities, very educational centers and different kinds of offices. यहाँ पर बहुत से तरीके से मीडिया न्यूज़पेपर ऑफिसेज और बहुत से लोग कई तरीके के वर्क करते हैं. बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं विभिन्न एजुकेशनल सेंटर्स हैं डिफरेंट यानी विभिन्न प्रकार के क्या हैं ऑफिसेज हैं. ठीक है. अब देखिए उत्तर प्रदेश. लखनऊ इज़ हिस्ट्रिकल सिटी. लखनऊ क्या है एक हिस्ट्रिकल सिटी है विथ ब्यूटीफुल ओल्ड मॉन्यूमेंट. यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं. एंड कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. ये क्या है यानी उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है आपको पता है लखनऊ है. द सिटी ऑफ आगरा हैज़ द फेमस मॉन्यूमेंट द ताजमहल. यहाँ की सिटी है आगरा जिसके पास फेमस मॉन्यूमेंट है
ताजमहल किसका बना हुआ है? वाइट मार्बल का बना हुआ है और यहाँ पर उसमें प्रीसियस स्टोन्स लगे हुए हैं। इट वॉज बिल्ड बाई शाहजहाँ, किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया है। ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। कानपुर हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टाउन, कानपुर क्या है बच्चों? एक इंडस्ट्रीज़ है और यहाँ पर बहुत ही यानी इम्पॉर्टेंट टाउन्स भी हैं। द होली सिटी ऑफ वाराणसी एंड अलाहाबाद ऑन द गंगा आर विजिट बाई मिलियंस ऑफ पीपल, वाराणसी और अलाहाबाद ये कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलियंस में लोग आते हैं क्या करने, विजिट करने, यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए आते हैं। रिवर्स द गंगा एंड इट्स टेरिबिट्रीज, द यमुना एंड गोमती फ्लो थ्रू द स्टेट, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ यमुना और गोमती इस स्टेट के द्वारा बहती है। क्रॉप्स वीट शुगर केन राइस एंड मेट्स आर द मेन क्रॉप्स, यहाँ की मुख्य फसलें हैं। मैंगोज आर ऑल्सो ग्रोन इन प्लांटी, मैंगो बहुतायत मात्रा में क्या किया जाता है? उगाया जाता है। ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, टूरिज्म एंड हैंडीक्राफ्ट्स आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, यहाँ का क्या है? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज ऑफिसेज में लोग हैंडीक्राफ्ट से बने हुए वर्क करते हैं और यहाँ का ये मेन ऑक्यूपेशन है। ठीक है तो बच्चों अभी आपका बहुत सा टॉपिक्स रिमेन बचा हुआ है। आई विल सेंड वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर थ्रू द PDF और मैं आपको वर्क सेंड कर दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा और वेस्ट इंडिया मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। ओके थैंक यू क्लास।